नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। हैदराबाद सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव के बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी के कब्जे वाली सीट पर कांग्रेस टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को अपना आज वह कैंडिडेट बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसको लेकर सियासी चर्चाएं जोरों पर है। कांग्रेस का यह कदम सानिया मिर्जा की लोकप्रियता के सहारे हैदराबाद शहर में अपनी राजनीतिक जमीन को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में भी काफी अहम साबित हो सकता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने पर विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ ही सानिया मिर्जा को इस सीट से संभावित कैंडिडेट के रूप में उतारे जाने की अटकलें भी तेज हो गई है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सानिया मिर्जा की उम्मीदवारी के प्रस्ताव का समर्थन किया। अजहरुद्दीन के सानिया मिर्जा के परिवार के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है। उन्होंने साल 2019 में अपने बेटे मोहम्मद असदुद्दीन की शादी सानिया की बहन अनम मिर्जा से की थी और दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंधों का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाने की जो है अब तैयारी में है। दरअसल हैदराबाद लोकसभा सीट ऐतिहासिक रूप से असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम यानी एआईएमआईएम पार्टी का गढ़ रहा है। और बता दें कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में हैदराबाद सीट को जाना जाता है। असदुद्दीन अवैसी ने इस सीट से पहला लोकसभा चुनाव 2004 में जीता था और उसके बाद असदुद्दीन अवैसी इस सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इससे पहले उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। इसके बाद वह 1989 से 1999 तक एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में हैदराबाद के जो है सीट जीते रहे और उसके बाद इस सीट पर बड़े बेटे और पार्टी चीफ असदुद्दीन अवैसी का ही कब्जा बरकरार है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की जो ये रणनीति है कितना कारगर साबित होती है। अगर आधिकारिक रूप से जो है सानिया मिर्जा को जो है हैदराबाद सीट से कांग्रेस उतारती है तो देखना होगा कि क्या सालों के इतिहास को सानिया मिर्जा पलटने में काबिज रहती है या फिर। फिलहाल के इस खबर में कहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने।